हेलो एवरीवन, वेलकम टू ग्रेडअप, द लार्जेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म इन इंडिया। स्वागत है आप सभी का भारत के सबसे बड़े ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं दिसंबर महीने में अभी तक जो घटनाएं हुई हैं या जो भी इंसिडेंट्स हुए हैं इन्वायरमेंट से संबंधित। कहाँ पर कौन सी नई प्रजाति की खोज की गई है, कहाँ पर कौन से कॉन्फ्रेंसेस आयोजित किए गए हैं इससे संबंधित, किसको कौन से अवार्ड प्राप्त हुए हैं पर्यावरण के क्षेत्र में, इन सभी के बारे में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं जो अभी तक घटित हुए हैं। सो अ वेरी वेलकम टू ऑल ऑफ यू। चर्चा करने का विषय इन्वायरमेंट इश्यूज इन न्यूज दिसंबर माह में अभी तक जो हुआ है। सो अगर आपको ये सेशन पसंद आता है तो प्लीज लाइक करें और शेयर करें, फटाफट शेयर करते जाइए और फिर हम उसके बाद शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन। सो लेट्स गेट बिगिन, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला अगर बात की जाती है इन्वायरमेंट के बारे में तो एक साइक्लोन आया था अभी हाल ही में, है ना, तमिलनाडु के तट पर, और जो जिसने श्रीलंका को बहुत ही ज़्यादा परेशान किया हुआ था। इस साइक्लोन का नाम था बुरेवी, ठीक है, साइक्लोनिक स्टॉर्म बुरेवी। अकॉर्डिंग टू द इंडिया मीटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट आईएमडी के अनुसार जो बुरेवी साइक्लोन था वह अभी ट्रॉपिकल साइक्लोन की तरह एक्टिव है ना, और वह श्रीलंका के क्षेत्र में बहुत ही ज़्यादा थ्रेटनिंग पार्ट्स में, सदर्न इंडिया में बहुत ज़्यादा थ्रेट्स फैलाया, बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक हुआ। दक्षिण भारत के कुछ क्षेत्रों पर भी इससे खतरा मंडरा रहा था। तो देखा जाए तो इसने श्रीलंका को बहुत परेशान किया हुआ था, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें तो जो साइक्लोन बुरेवी था यह तीसरा साइक्लोन था जिसने तमिलनाडु के कोस्ट को हिट किया था या फिर जिसने तमिलनाडु से टकराया था, है ना। यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि इससे पहले केवल दो ही हुए हैं, 2018 में गाजा साइक्लोन आया था और उसके बाद हाल ही में वहां पर एक साइक्लोन निवार आया हुआ था। तो इन दोनों के बाद यह साइक्लोन बुरेवी ही है जो तमिलनाडु के तट से टकराया। इसमें यह देखा जाता है कि अभी तक इस साल 2020 में लगभग पांच प्रकार के या पांच तरह के साइक्लोन अभी तक इंडियन ओशियन में आ चुके हैं, ठीक है। अब इसमें सबसे पहले साइक्लोन गति आया, फिर उसके बाद निसर्ग आया, फिर उसके बाद निवार, फिर उसके बाद अम्फान, और फिर उसके बाद अब किसका आना हुआ है, साइक्लोन बुरेवी का। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि अभी तक इंडियन ओशियन में ये साइक्लोन्स बहुत कम देखे जाते थे, लेकिन हाल ही में 2020 में पांच तरह के साइक्लोन्स आ चुके हैं, तो ये है। फिर उसके बाद अगर हम देखें ब्लू टाइड स्पॉटेड एट जुहू बीच, है ना, महाराष्ट्र मुंबई में जुहू बीच पर एक अनोखी घटना देखने को मिली हाल ही में। जी गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ठीक, तो जुहू बीच पर क्या देखने को मिला, एक थोड़ा सा चमत्कारिक घटना भी कह सकते हो आप इसको, है ना। क्यों क्यों भाई, क्योंकि वहां पर ब्लू टाइड्स देखने को मिले, तो जो लहरें उठ रही थी वो ब्लू कलर की स्पॉट हुई। अब ये जो ब्लू कलर है, द ब्लू टाइड फिनोमिनन वॉज ऑब्जर्व इन सेवरल स्ट्रेचेस ऑफ महाराष्ट्र कोस्ट सच एज जुहू बीच, है ना। तो जुहू बीच पर ब्लू टाइड आया, कारण क्या था, इसका कारण था बायोल्यूमिनेशंस, है ना, क्या था, बायोल्यूमिनेशंस। अब ये बायोल्यूमिनेशंस क्या होता है, तो कुछ जलीय जीव होते हैं, कुछ जलचर होते हैं जो अपने शरीर से क्या करते हैं, ल्यूमिनेशंस एक्सक्रीट करते हैं, तो उनमें एक अलग प्रकार की चमक उत्पन्न होती है, उसी को आप बायोल्यूमिनेशंस कहते हो, ठीक। तो ये क्या हुआ, कोस्टल कंजर्वेशन फाउंडेशन के डायरेक्टर शौनक मोदी ने कहा कि ब्लू टाइड वॉज स्टॉपेड एट जुहू कोलीवाड़ा, है ना, उन्होंने कहा कि कोलीवाड़ा पर ब्लू टाइड देखा गया। ब्लू टाइड प्रोड्यूसिंग फ्लोरोसेंट ब्लू ब्लू ह्यू होता है जो कि देखने में बहुत ही सुंदर महसूस होता है। ये फिनोमिनन जो होता है इसे आप बायोल्यूमिनेसेंस के नाम से जानते हो। एक्चुअली देखा जाए तो बायोल्यूमिनेसेंस इज अ फिनोमिनन ऑफ
एमिटिंग लाइट रेडिएशन बाय द ऑर्गेनिजम्स, है ना। तो बायोल्यूमिनेसेंस एक क्या है, ऑब्जर्व अक्रॉस द कोस्ट लाइन ऑफ मेनी बीचेस, विश्व में देखा जाए तो केवल मुंबई महाराष्ट्र ही नहीं, इंडोनेशिया है, अमेरिका है, मालदीव्स हैं, वियतनाम है, ऑस्ट्रेलिया है, और ऐसे बहुत सारे देश हैं जो कोस्टल बाउंड्री बनाते हैं, वहां अक्सर ऐसी घटनाएं देखने को मिलती हैं। ठीक है, दिस इज अ रिकरिंग फिनोमिनन, यह एक फिनोमिनन होता है, एक प्रक्रिया होती है जिसमें बायोल्यूमिनेसेंट जो प्लैंकटन्स होते हैं ना, इन्हें आप प्लावक भी कहते हैं। तो प्लैंकटन्स क्या होते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें तो नॉक्टिल्यूका साइंटिलेंस एक तरह का प्लैंकटन होता है जो अपने शरीर से लाइट रेडिएशन जैसी चीज एमिट करता है और वही बायोल्यूमिनेसेंस बनाता है। इस स्पीशीज को, नॉक्टिल्यूका साइंटिलेंस को आप सी स्पार्कल के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। लेकिन अगर देखा जाए तो जो स्मॉलर ब्लूम्स होते हैं ना, ये ब्लूम्स क्या होते हैं, ये चमक क्या होती है, कभी कभी हार्मलेस होती है। लेकिन अगर हम देखें कि स्लो मूविंग लार्जर ब्लूम्स होते हैं जो बहुत धीमी गति से कोस्ट की तरफ आ रहे होते हैं, तो वो क्या कर सकते हैं, दे कैन कॉज सीवियर हाइपोक्सिक कंडीशंस दैट रिजल्ट इन द डाई ऑफ इन एरिया, किसी भी क्षेत्र में किसी के मरने पर, या फिर जो मछलियां होती हैं या जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं उनको, उनकी लाइफ को हार्म कर सकते हैं। ठीक, तो छोटे अमाउंट में, हमेशा कहते हैं ना हाथी सर्वत्र वर्जित, तो छोटे अमाउंट में क्या टॉक्सिक नहीं होता, जब वह बड़ा अमाउंट हो जाता है तो फिर टॉक्सिक हो जाता है, हार्मफुल हो जाता है। जी वेरी गुड मॉर्निंग। हाँ ठंड तो बहुत ज्यादा है सर, वाकई में भी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, बायोल्यूमिनेसेंस क्या होता है। बायोल्यूमिनेसेंस एक प्रोडक्शन होता है एमिशन ऑफ लाइट का, है ना। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के द्वारा जब लाइट को एमिट किया जाए तो वही प्रोसेस क्या कहलाता है, बायोल्यूमिनेसेंस कहलाता है। तो अकॉर्डिंग टू द नेशनल ओशियन सर्विस, ठीक है, राष्ट्रीय सामुद्रिक सेवा के अनुसार अगर हम देखें तो बायोल्यूमिनेसेंस इन द ओशियन इज नॉट अ रेयर एज यू माइट थिंक, जैसा आप सोचते हैं वैसा नहीं होता है। यह क्या है, अक्सर ऐसे एनिमल्स में देखा जाता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल कुछ बैक्टीरियाज होते हैं और शार्क्स होती हैं, यहाँ तक कि कुछ जेली फिशेस में भी ये चीजें पाई जाती हैं, तो इसे ही आप बायोल्यूमिनेसेंस रखते हैं। हाँ हाँ अति सर्वत्र वर्जित है ना, ठीक बोल रहे हो बेटा, ओके। चलिए चलिए और आगे देखते हैं, नेक्स्ट आता है बैंड कैटफिश थाई मांगूर, है ना, बहुत ही चर्चा का विषय रहा है क्योंकि ये ऐसा थाई मांगूर एक स्पीशीज है, मांगूर मछली की प्रजाति होती है, आप लोग जानते हैं बड़ी बड़ी मूछे निकल के आती हैं, है ना। तो ये जो मांगूर होता है इसको बैन कर दिया गया था हमारे यहाँ पर एक्चुअली में, ठीक है। रिसेंटली घटना में या ये सुर्खियों में क्यों आया, क्योंकि महाराष्ट्र में, ठीक है, महाराष्ट्र में लगभग 125 आर्टिफिशियल पॉन्ड्स में जो थाने में आता है वहां पर इनको रियरिंग किया जा रहा था, मतलब उनका मछली पालन किया जा रहा था, बैन होने के बावजूद, इसीलिए ये सुर्खियों में आया। थाई मांगूर हैज बीन बैंड बाय द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल इन 2000 में, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने इसको बैन कर दिया गया था क्योंकि यह लोकल इकोसिस्टम को डिस्ट्रॉय कर देता है और साथ ही ह्यूमन कंजप्शन किए जाने पर उनके लिए भी हार्मफुल होता है। हाँ बिल्कुल, मांगूर मच्छी जिसे कहते हो आप लोग, है ना, ओके। चलिए तो स्वागत है आप सभी का, बिल्कुल बिल्कुल, ओके। चलिए ठीक है, जो थाई मांगूर है 100 रुपए से 150 रुपए किलो तक बिकने वाली मछली होती है ना। इसके अलावा यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि इनको रियर करना बहुत ही इजी होता है, मतलब इनको पालना बहुत ही इजी होता है, बहुत कॉस्टली भी नहीं होता, कोई भी पाल सकता है, एक नॉर्मल व्यक्ति भी पाल सकता है इसको, है ना। लेकिन इसके नेचर के चलते इसको बैन कर दिया गया था कि ये जहां पर रहता है ना, ये एक तरह से कहना चाहिए कार्निवोरस टाइप का स्पीशीज होता है, जो आसपास उसके जो भी इकोसिस्टम में रहेंगे उनको तो खत्म करेगा ही करेगा, लेकिन जो जब इसका कंजम्पशन ह्यूमंस करते हैं तो उनके लिए भी ये क्या हो जाता है, बहुत हार्मफुल हो जाता है। यहाँ पर इसका जो अगर हम देखें नेटिव प्लेस देखें तो ये हमारे भारत की पैदाइश तो है नहीं, ये बेसिकली अफ्रीका या फिर मिडिल ईस्ट को बिलोंग करता है, तो इस प्रकार से ये थाई मांगूर कहलाता है। नेक्स्ट आता है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट
फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज लॉन्च द इंडिया क्लाइमेट चेंज नॉलेज पोर्टल। ठीक है, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। चलिए, केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय इंडिया क्लाइमेट चेंज नॉलेज पोर्टल का शुभारंभ किया गया है ना। पोर्टल क्या है? पोर्टल आपको पता ही है, यहाँ पर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है। और ये किस पर आधारित है? तो सिंगल पॉइंट इंफॉर्मेशन रिसोर्स, एकल बिंदु सूचना संसाधन पर आधारित है, जो कि अलग अलग इनिशिएटिव्स लिए गए हैं। किसके द्वारा? जो हमारे अलग अलग मंत्रालय हैं उनके द्वारा अलग अलग जो इनिशिएटिव लिए जाते हैं, उन सभी के बारे में एक कंपाइल्ड इंफॉर्मेशन दिया जाएगा इस पोर्टल के द्वारा, जिसका नाम क्या रखा गया है? इंडिया क्लाइमेट चेंज नॉलेज पोर्टल। ठीक है, ये पोर्टल जो है सेक्टर वाइज एडेप्टेशन को और उसके मिटिगेशन एक्शंस को क्या करता है? कैप्चर करता है। साथ ही दैट आर बीइंग टेकन बाय द वेरियस मिनिस्ट्रीज, अलग अलग मंत्रालयों के द्वारा जो किए गए हैं उनको कैप्चर करने की कोशिश करता है। द नॉलेज पोर्टल विल हेल्प इन द डिसेमिनेटिंग नॉलेज अमंग द सिटीजन्स अबाउट ऑल द मेजर स्टेप्स टू द गवर्नमेंट इज टेकिंग बोथ नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल्स। तो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भी उठाए जा रहे प्रमुख कदम होंगे, है ना, उनके बारे में भी ये जानकारी प्रदान करेगा। नेक्स्ट आते हैं, ये पोर्टल के माध्यम से हमें 8 प्रकार के कंपोनेंट से जुड़ने का मौका मिलेगा। तो ये 8 प्रकार के कंपोनेंट्स या 8 मेजर कंपोनेंट्स क्या होते हैं? जी गुड मॉर्निंग एवरीवन। ठीक है, 8 तरह के मेजर कंपोनेंट्स कौन से? सबसे पहला आता है इंडियाज क्लाइमेट प्रोफाइल, फिर उसके बाद आएगा नेशनल पॉलिसी फ्रेमवर्क, इंडियाज एनडीसी गोल, एडेप्टेशन एक्शंस, मिटिगेशन एक्शंस, बायलेटरल एंड मल्टीलेटरल कोऑपरेशन, इंटरनेशनल क्लाइमेट नेगोशिएशंस, रिपोर्ट एंड पब्लिकेशंस। तो इन सभी चीजों को इसमें रखा गया है। और इसका जो वेब पोर्टल है उसको आप www.cckpindia.nic.in में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, इंडिया टू लॉन्च डीप ओशियन मिशन इन 3 to 4 months, है ना। भारत 3 से 4 महीने में ओशियन मिशन या डीप ओशियन मिशन की शुरुआत करने जा रहा है। तो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय अर्थात मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस ये जल्द ही यह मिशन लॉन्च करने वाले हैं, जिसको आप डीप ओशियन मिशन के नाम से जानेंगे। और यह क्या करेगा? तो वहां जो गहराई, समंदर की गहराई में मिनरल्स होते हैं, एनर्जी रिसोर्सेस होते हैं, साथ ही जो मरीन डाइवर्सिटी होता है उसके बारे में एक्सप्लोरेशन करने का काम करेगा, जो कि अंडर वाटर वर्ल्ड के बारे में एक नई जानकारी उपलब्ध कराएगा। ठीक, अभी तक जिन चीजों के बारे में हम अनएक्सप्लोर्ड हैं, मतलब जिनके बारे में हमें जानकारी नहीं मिली है, यह उस पर फोकस करता है। इस मिशन की टोटल लागत जो है वह 4,000 करोड़ रुपए के आसपास आंकी गई है। और इसको इंडियाज वॉस्ट एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन एंड कॉन्टिनेंटल सेल्फ में क्या किया जाएगा? लागू किया जाएगा। तो इस तरह से यह डीप ओशियन मिशन है। अब ये जो मिशन होता है, इट इज अ मल्टी डिसिप्लिनरी वर्क, है ना, अर्थात ये बहुविषयक कार्य होगा, है ना, जिसमें आप बहुत सारे डिपार्टमेंट्स को साथ में लेकर आए हैं, जो अलग अलग गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं, MoEES के साथ, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड साइंस के साथ। ठीक है, यहाँ पर डिफेंस रिसर्च मतलब DRDO आ जाएगा, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी है, इसरो भी आ गया है, काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च दैट इज CSIR है, और इनके जैसे और भी संस्थाएं इसमें सम्मिलित होकर अपना अपनी अपनी जिम्मेदारियां निभाएंगे। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि एक बहुत बड़ा मिशन होने वाला है। सितंबर 2016 में इंडिया ने इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी के साथ एक करार किया था, जो कि वो अग्रीमेंट 15 सालों के लिए था। और ये किस पर बेस्ड था? तो पॉलीमेटैलिक सल्फाइड्स, ठीक है, PMS, पॉलीमेटैलिक सल्फाइड्स के एक्सप्लोरेशन से संबंधित था। जो ISA है, दैट इज इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी, यह एक लॉ है, एक तरह का नियम है, कानून है, जो किससे संबंधित है? कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सी, कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सी से संबंधित है, जिसका भारत भी एक मेंबर है। एग्जैक्टली, ठीक है, चलो
मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस। हाँ नेक्स्ट आते हैं, रिसर्चर्स डिस्कवर्ड अ न्यू फ्रॉग स्पीशीज। ठीक है, तो रिसर्चर्स डिस्कवर्ड अ न्यू फ्रॉग स्पीशीज अर्थात शोधकर्ताओं ने एक मेंढक की एक नई प्रजाति की खोज की है। ठीक है, तो भारत के कुछ इंस्टीट्यूशंस ने मिलकर और फ्रांस के कुछ इंस्टीट्यूशन ने मिलकर इसमें क्या किया है, फ्रॉग की एक नई प्रजाति की खोज की है। और यह प्रजाति कैसी है, बरोइंग फ्रॉग की प्रजाति है। ठीक है, और इसका नाम क्या रखा गया है, स्फेरोथीका बेंगलुरु के नाम से जाना गया। इसका साइंटिफिक नेम या इसका नाम क्या रखा गया है, स्फेरोथीका बेंगलुरु। ठीक है, अब ये कहाँ पाया गया, तो बेंगलुरु में एक जगह है राजन कुंटे नाम का, है ना, राजन कुंटे नाम की जगह पर यह पाया गया, जो कि इसके नेचुरल हैबिटेट से बाहर का क्षेत्र आता है। तो इसी आधार पर उसका नाम स्फेरोथीका बेंगलुरु नाम रखा गया। ठीक है, जो नई प्रजाति पाई गई है वह बरोइंग प्रजाति की एक नई स्पीशीज है, जिसमें बरोइंग फ्रॉक्स को रखा जाए। बरोइंग फ्रॉक्स मतलब जो बिल में रहते हैं, है ना, गड्ढे में रहते हैं। अरे डीआरडीओ और इसरो दोनों ही सुप्रीम अथॉरिटीज हैं बेटा, है ना, कोई सुप्रीम नहीं है यहाँ पर, मतलब कोई बेस्ट नहीं है, दोनों अपनी अपनी जगह पर काम कर रहे हैं, है ना। तो दोनों का ही महत्व तो एक जगह पर अपनी अपनी जगह पर बहुत है। हाँ वही, ठीक है, दोनों का काम अलग अलग है भाई। इसरो स्पेस रिसर्च से संबंधित कार्य करता है और डीआरडीओ डिफेंस रिसर्च से संबंधित कार्य करता है। दोनों अपनी अपनी जगह क्या है, बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं। हाँ अमित कुमार, वेरी गुड। ठीक है, तो ये जो बरोइंग फ्रॉग है इसकी एक नई प्रजाति है, कौन सा, स्फेरोथीका बेंगलुरु, याद रखिएगा। जनरली ये जो बरोइंग फ्रॉग्स होते हैं एम्फीबियंस प्रजाति में आते हैं और डेक्कन प्लेटू के कर्नाटका वाले हिस्से में पाए जाते हैं। नेक्स्ट आते हैं, 5 ईयर्स ऑफ पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड ऑन 12 दिसंबर। ठीक है, 12 दिसंबर को पेरिस क्लाइमेट का 5वां वर्ष मनाया गया भारत के द्वारा। तो यहाँ पर ग्लासगो स्कॉटलैंड में 12 दिसंबर 2020 को क्लाइमेट एम्बिशन समिट का आयोजन किया गया था, जो किससे संबंधित है, 5th एनिवर्सरी से संबंधित है, पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड से। द क्लाइमेट एम्बिशन समिट 2020 विल कोमेमोरेट द 5th एनिवर्सरी ऑफ पेरिस एग्रीमेंट, एज आई टोल्ड यू। ठीक, उसके बाद ये क्या करेगा, गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंटल लीडर्स को एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है ना, टू डिमोन्स्ट्रेट देयर कमिटमेंट टू द पेरिस एग्रीमेंट। पेरिस एग्रीमेंट से संबंधित जो भी उनके कमिटमेंट होंगे, भाई हम क्लाइमेट चेंज के बारे में ये करेंगे, हम जलवायु परिवर्तन को होने से रिड्यूस कर सकते हैं, कार्बन का एमिशन कम करेंगे, ऐसे बहुत सारी उनके कमिटमेंट्स होती हैं, तो उसी से संबंधित ये प्लेटफॉर्म तैयार करता है। क्लाइमेट एम्बिशन समिट 2020, इसका जो गोल था वो क्या था, टू फॉर्मुलेट न्यू एम्बिशियस कमिटमेंट्स बेस्ड ऑन द 3 पिलर्स ऑफ पेरिस अग्रीमेंट्स। 3 पिलर्स कौन कौन से, पहला होता है मिटिगेशन, एडेप्टेशन और फिनेंशियल ऑब्लिगेशंस। इन तीनों पिलर्स पर आधारित है कौन सा, हमारा पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड, जो अभी 2020 में समिट हुआ था। ठीक, नेक्स्ट, इंटरनेशनल बैंक अप्लॉड्स इंडियाज एफर्ट्स टुवर्ड्स द रिवर रेजुबिनेशन एंड क्लीनलीनेस। ठीक है, तो जो इंटरनेशनल बैंक है, जिसे आप IBRD के नाम से भी जानते हो, IBRD स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। उन्होंने भारत के जो नदी रिजुविनेशन और क्लीनिनेस, लाइक क्लीन गंगा मिशन है, नेशनल मिशन ऑन क्लीन गंगा, इसकी बहुत तारीफ की है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, प्रेज्ड इंडियाज एफर्ट्स ऑन रिवर रिजुविनेशन। एक्चुअली द नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा एंड द सेंटर फॉर गंगा रिवर बेसिन मैनेजमेंट एंड स्टडीज, दैट इज सी गंगा, ऑर्गेनाइज्ड अ डिस्कशन एट द 5th इंडिया वाटर इम्पैक्ट समिट। 5वें भारत जल इम्पैक्ट समिट का आयोजन किया गया था और इस समिट में ये देखा गया कि जो स्टेक होल्डर्स थे, है ना, उनमें डिबेट कराई गई थी और डिस्कशन हुआ था। उस डिस्कशन में IBRD ने भारत की तारीफ करते हुए कहा कि
इट इज वेरी प्राउड ऑफ ऑल द वर्क हैज डन इन इंडिया एस्पेशली इन कर्बिंग ओपन डेफिकेशन। ठीक है, तो जो ओपन डेफिकेशन होता है खुले में शौच करना, है ना, तो उससे संबंधित भी भारत की तारीफ की गई आईबीआरडी के द्वारा। ठीक, तो ये हो गया आपका रेजुविनेशन से संबंधित। दूसरा है, नेक्स्ट आता है मायरिस्टिका स्वयं ट्री फ्रॉग। मायरिस्टिका स्वयं ट्री फ्रॉग हैज बीन रिकॉर्डेड फॉर द फर्स्ट टाइम। पहली बार किसी स्वयं ट्री फ्रॉग, जिसे आप मायरिस्टिका के नाम से जान रहे हो, उसका रिकॉर्ड मिला है, है ना। एक्चुअली द मायरिस्टिका स्वयं ट्री फ्रॉग वॉज रिकॉर्डेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन द त्रिशूर एरिया ऑफ केरला। ठीक है, तो केरला के त्रिशूर एरिया में इसको देखा गया है। ये वेस्टर्न घाट्स में पाए जाने वाले यूनिक किस्म की प्रजातियां हैं मेंढकों की, है ना, और इसका जो साइंटिफिक नेम है वह क्या है, मायरिस्टिका स्वयं ट्री फ्रॉग। जैसे मार्क्यूरेना मार्क्यूरेना मायरिस्टिका पेलस्ट्रिस, इसका साइंटिफिक नेम क्या है, मार्क्यूरेना मायरिस्टिका पेलस्ट्रिस। ठीक है, मायरिस्टिका इसके बारे में क्या है कि ये एक रेयर आर्बोरियल स्पीशीज होता है। आर्बोरियल स्पीशीज मतलब जो पेड़ों पे रहते हैं, है ना, जमीन पे नहीं, बिल में नहीं, गड्ढे में नहीं, पानी में नहीं, कहाँ, पेड़ों पर निवास स्थान होता है इनका, रेयर आर्बोरियल स्पीशीज। ठीक है, द फ्रॉग विल बी ओनली एक्टिव फॉर अ फ्यू वीक्स ड्यूरिंग द ब्रीडिंग सीजन। यह अपने ब्रीडिंग सीजन के दौरान ही एक्टिव होता है, और वो सीजन कब आता है, मॉनसून, प्री मॉनसूनल सीजन में आता है। ठीक है, तो दूसरे फ्रॉग की अपेक्षा अगर हम देखें तो ब्रीडिंग सीजन क्या होता है, प्री मॉनसून सीजन में शुरू होता है, और मॉनसून सीजन जब तक फुल्ली एक्टिव होता है तब तक इनका ब्रीडिंग सीजन कंप्लीट हो चुका होता है, दैट इज जून के आसपास। ठीक है, और जो ब्रीडिंग सीजन के एंड होने से पहले ही जो फीमेल होती है और मेल होता है वो क्या हो जाते हैं, फॉरेस्ट फ्लोर में क्या हो जाते हैं, गुम हो जाते हैं, चले जाते हैं। ठीक है, लाइव चल रहा है भैया, कौन बोल रहा है, रिकॉर्डेड है, बिल्कुल बिल्कुल, है ना, बिल्कुल सारी तैयारियां हो चुकी हैं आपके कोर्सेस चलाए जाने की, है ना, सो डोंट वरी अबाउट दैट। चलिए एक और नेक्स्ट न्यूज लेके आ रहे हैं, अ टफ नॉवल स्पीसीज ऑफ मुरेन ग्रास आइडेंटिफाइड प्लेट्यूज ऑफ द वेस्टर्न घाट्स ऑफ गोवा। ठीक है, बिल्कुल प्रथम सिंह जी, हमने आपकी बात समझ ली है और उसको हम आगे भी ले जाकर रखेंगे, है ना, डोंट वरी अबाउट दैट। चलिए, तो एक टफ नॉवल स्पीशीज पाया गया है मुरेन ग्रास का गोवा के वेस्टर्न घाट्स एरिया में। ठीक, और ये जो मुरेन ग्रास दैट इज नोन फॉर इट्स इकोलॉजिकल एंड इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, जैसे फॉडर, ठीक है, तो फॉडर के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है, बहुत इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस भी है, इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस भी है। इसको कहाँ पाया गया है, गोवा के पश्चिमी घाट वाले इलाके में। अब इसमें क्या है, द डिस्कवर्ड नॉवल स्पीशीज वॉज नेम्ड, इसका नाम क्या रखा गया है, इसमम जनार्थनामी, है ना, इसका नाम क्या रखा गया, इसमम जनार्थनामी। एक्चुअली इसका नाम एक साइंटिस्ट के नाम पर रखा गया है, एक प्रोफेसर है, एम के जनार्दनम, है ना, एम के जनार्दनम यूनिवर्सिटी ऑफ गोवा में बॉटनी के प्रोफेसर, उनके नाम पर ही इसका नाम रखा गया, इसमम जनार्थनामी। ठीक, ग्रास का नाम है, याद रखिएगा। फिर उसके बाद इन्होंने क्या किया था, इंडियन ग्रास टैक्सोनॉमी में अपना बहुत ही अच्छा कॉन्ट्रीब्यूशन दिया था, डॉक्यूमेंटेशन किया था फ्लोरिस्टिक डाइवर्सिटी का, इसलिए उनके नाम पर इसका नामकरण किया गया है। इट ग्रोज ऑन द लो एल्टीट्यूड, है ना, कम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में पाया जाता है या उगता है। साथ ही जो भगवान महावीर नेशनल पार्क है गोवा में, उसके इलाके में इसको पाया जाता है। इस सेशन में तो नहीं है, है ना, नेक्स्ट सेशन में कोशिश करेंगे कि एमसीक्यूज भी ऐड किए जाएं। ठीक है, ओके, दिस स्पीशीज हैज अडेप्टेड टू हार्श कंडीशन, है ना, यह स्पीशीज, यह ग्रास की प्रजाति क्या कर चुकी है, अडेप्ट कर चुकी है हार्श कंडीशन में,
और लियो न्यूट्रिएंट यूटिलाइजेशन को भी, एंड ब्लूम्स इन एवरी मॉनसून। ठीक है, तो प्रत्येक मॉनसूनल सीजन में जो ब्लूम्स होते हैं या लो लेवल हो जाता है न्यूट्रिएंट्स का, ऐसे हार्श कंडीशन या एक्सट्रीम कंडीशन में सर्वाइव कर सकता है। नेक्स्ट आते हैं, नेपाल एंड चाइना हैव अनाउंस्ड न्यू हाइट ऑफ माउंट एवरेस्ट। तो नेपाल और चाइना ने एक साथ माउंट एवरेस्ट की नई हाइट को क्या किया है, अनाउंस किया है, दैट इज 8848.86 मीटर्स। इसका मतलब क्या हुआ कि माउंट एवरेस्ट की अब जो हाइट होगी वह 86 सेंटीमीटर हायर होगी, कब, जो पुरानी हाइट थी उसके हिसाब से। ठीक है, तो यहां पर आप ये देख सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू द सर्वे कंडक्टेड बाय ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ऑफ इंडिया इन 1954, 1954 में ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ऑफ इंडिया ने एक सर्वे कराया था, उसके अनुसार जो न्यू हाइट होगी वह 8848.86 मीटर रखी गई है ना। और यहाँ पर 8848 को आप मान के चलते हो, लेकिन यहाँ पर ज्वाइंट स्टेटमेंट आया है नेपाल और चाइना के द्वारा। एक्चुअल में नेपाल और चाइना अलग अलग हाइट बताते थे उसकी, जैसे चाइना का डिक्लेरेशन क्या था, 8844 मीटर, और नेपाल का डिक्लेरेशन था 8847 मीटर। तो ये जो 3 मीटर का डिफरेंस आ रहा था उसी को दूर करने के लिए इन्होंने एक ज्वाइंट सेशन चलाया, ज्वाइंट प्रोजेक्ट चलाया, और उसमें उन्होंने स्नो हाइट साथ ही साथ रॉक हाइट को लेकर डिस्कशन किया, और फाइनली उन्होंने डिसाइड किया कि इसकी जो हाइट है वो 86 सेंटीमीटर बढ़कर अब 8848.86 मीटर हो चुकी है। मैक्सिमम यही देखा जाता है कि कोई भी चीज जिसके द्वारा फाउंड किया जाता है, बिल्कुल बिल्कुल है ना, जिसके द्वारा इन्वेंट किया जाए, जिसके द्वारा खोजा जाए, या जिसने उसको बनाया है उसके नाम पर ही रखा जाता है। चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट आता है, प्लान्स फॉर एलिफेंट कॉरिडोर्स इन ओडिशा। तो हाल ही में ओडिशा में एलिफेंट कॉरिडोर्स बनाए जाने की घोषणा की गई है ना। द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने क्या किया है, ओडिशा के गवर्नमेंट को इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि आप अपने यहाँ पर 14 आइडेंटिफाइड एलिफेंट कॉरिडोर्स की पहचान कीजिए और उन्हें बनाए जाने की पहल पर अग्रिम एक्शन लीजिए। ठीक है, तो एलिफेंट कॉरिडोर्स क्या होते हैं, ये एक नैरो लैंड होते हैं जो कि दो लार्ज एलिफेंट हैबिटेट्स को कनेक्ट करते हैं। लाइक अगर हम बात करें, ये एक हैबिटेट हो गया और ये एक हैबिटेट हो गया, तो जो कॉरिडोर बनेगा एक नैरो रीजन होगा, लेकिन ये नैरो रीजन क्या होता है, फॉरेस्टेड होता है। ठीक है, देखने से आपको ये नहीं लगेगा कि ये एक कॉरिडोर है, क्योंकि वहां भी जंगल होते हैं, फॉरेस्टेड होता है, ट्री से कवर्ड एरिया होती है। ठीक है, तो इस तरह से ये एक नैरो लैंड कनेक्टिंग नैरो लैंड होते हैं जो दो हैबिटेट्स को कनेक्ट करते हैं। उसके बाद हम देखें, दे आर एसेंशियल टू रिड्यूस द एनिमल डेथ्स। ठीक है, कॉरिडोर की आवश्यकता क्यों होती है, जनरली अभी हाल ही में न्यूज आए हैं, बहुत सारे न्यूज आपको देखने में मिले हैं जिनकी, जहां पर हाथियों की मृत्यु से संबंधित न्यूज आते रहते हैं अक्सर। होता क्या है, जब ये जंगल के रास्ते से भटक कर कहीं बस्ती वाले क्षेत्रों में आ जाते हैं तो वहां पर उनकी मृत्यु हो जाती, कभी करंट लग जाता है, कभी ट्रेन की चपेट में आ गए, कभी किसी गाड़ी की चपेट में आ गए। तो ये सारे जो एनिमल डेथ होते हैं इसको रिड्यूस करने के लिए ही एलिफेंट कॉरिडोर्स का निर्माण किया जाता है। फ्रेगमेंटेशन ऑफ द फॉरेस्ट मेक्स इट इवन मोर इम्पॉर्टेंट टू मेंटेन द माइग्रेशन कॉरिडोर। ठीक है, माइग्रेशन कॉरिडोर, एक जंगल से दूसरे जंगल माइग्रेट तो करते ही है शेल्टर के लिए, फूड के लिए और दूसरी अदर चीजों के लिए, तो वहां पर माइग्रेशन कॉरिडोर को भी इम्पोर्टेंस दिया जा रहा है। साथ ही यह जो मूवमेंट ऑफ एलिफेंट होता है ये क्या करता है, उनके सर्वाइवल रेट को भी बढ़ाने में सहायता करता है। सर्वाइवल रेट बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है बर्थ रेट में क्या होगा, इंक्रीमेंट देखा जाएगा। अब अकॉर्डिंग टू द नेशनल एलिफेंट कॉरिडोर प्रोजेक्ट, द वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया हैज आइडेंटिफाइड 88 एलिफेंट कॉरिडोर्स। लगभग 88 तरह के एलिफेंट कॉरिडोर्स या हाथी गलियारा को की पहचान की जा चुकी है अभी तक भारत में। ठीक है, अगर आप लोगों को सेशन पसंद आ रहा होगा तो प्लीज लाइक करते जाएं और शेयर करते जाएं, है ना।
हाँ तो उस केस में रोड है, रोड के दोनों तरफ हैबिटेट है और इधर से उधर जाना है, क्रॉस करना है ना, तो फिर क्या किया जाएगा, आप बैरियर्स लगाए जाएंगे। बैरियर्स मींस क्या होता है, जैसे जब जैसे रेलवे फाटक होते हैं ना, तो रेलवे फाटक क्या होता है, जब ट्रेन आती है तो फाटक बंद कर दिया जाता है, फिर जब एनिमल्स वहां से गुजर रहे होते हैं तो फिर उसको खोल दिया जाता है। तो ऐसे फाटक या ऐसे गेट्स बनाए जाते हैं वहां पर, जहां पर भी रोड्स गुजारा जाता है। चलो ओके, चलिए नेक्स्ट आते हैं। रिकॉग्निशन फॉर टू न्यू जूस बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, केंद्रीय सरकार ने क्या किया है, दो नए चिड़ियाघरों की पहचान की है, दो नए चिड़ियाघरों की स्थापना की है। और ये दो नए चिड़ियाघर हैं वो कौन कौन से हैं, सबसे पहला है राजगीर चिड़ियाघर सफारी पार्क, नालंदा बिहार में आता है, और उसके बाद एक है शहीद अशफाक उल्ला खां प्राणी उद्यान गोरखपुर उत्तर प्रदेश। तो ये दो नए चिड़ियाघर हैं, इनकी पहचान केंद्र सरकार के द्वारा की गई है, ये बात आप लोग याद रखिएगा। दूसरा आता है होबारा बस्टर्ड कैन बी हंटेड ड्यूरिंग हंटिंग सीजन, है ना, हंटिंग सीजन चालू होने वाला है 2020-21 में, और ये कहाँ पर होने वाला है, पाकिस्तान में। तो पाकिस्तान सरकार ने क्या किया है, सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, ठीक है, सऊदी के क्या है, प्रिंस हैं ये, तो इनको क्या किया है, परमिशन दिया है कि आप 2020-21 में जो हंटिंग सीजन हमारे यहाँ होगा उसमें आप होबारा बस्टर्ड को हंट कर सकते हैं, ठीक है। और केवल प्रिंस ही नहीं, उनके जितने भी फैमिली मेंबर्स आएंगे ना, वो भी इसका हंट करने हंटिंग करेंगे, इसका शिकार करेंगे। तो इस तरह से एक यहाँ पर थोड़ा सा इशू खड़ा होता है कि भाई आपने इतनी आसानी से कैसे परमिशन दे दिया। खैर एनीवेज, होबारा बस्टर्ड जो होता है वो क्या है, होबारा बस्टर्ड ज्यादातर एरिड क्लाइमेट में रहता है, मतलब जो शुष्क क्षेत्र की जलवायु वाले क्षेत्र होते हैं वहां पर रहता है, और ये दो तरह के डिफरेंट स्पीशीज को बिलोंग करता है जो कि आईयूसीएन ने आइडेंटिफाइड किया है ना। तो आईयूसीएन इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इसने दो तरह के होबारा बस्टर्ड को क्या किया, आइडेंटिफाई, जिनमें से एक पाकिस्तान ने मरवा दिया, ठीक है, सॉरी, ठीक है, जिनमें से एक पाकिस्तान ने अलाउ कर दिया, ठीक है। इसमें से एक स्पीशीज जो होता है वो नॉर्थ अफ्रीका में पाया जाता है, और दूसरा जो है वह कहाँ, एशिया में पाया जाता है, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिटेरियोरेटिंग ऑफ ग्रेट बैरियर रीफ बाय आईयूसीएन। तो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर ने ये कहा है कि जो ग्रेट बैरियर रीफ है ये डिटेरियोरेट हो रहा है, नष्ट होता जा रहा है, ठीक है। सो आईयूसीएन हैज एम्फेसाइज ऑस्ट्रेलियाज ग्रेट बैरियर रीफ इज इन क्रिटिकल स्टेट, है ना, बहुत ही क्रिटिकल स्टेट पे पहुंच चुका है वह, है ना, एंड डिटेरियोरेटिंग एज क्लाइमेट चेंज वार्म्स अप। जैसे जैसे जलवायु परिवर्तन हो रहा है और तापमान बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे जो ग्रेट बैरियर रीफ है ऑस्ट्रेलिया का, उसमें भी डिटेरियोरेशन देखा जा रहा है, ठीक है, जो कि एक्सटेंसिव एंड स्पेक्टेकुलर कोरल रीफ्स के लिए जाना जाता है। यहाँ पर लगभग 2900 से भी ज्यादा इंडिविजुअल रीफ्स पाए जाते हैं लगभग 900 आइलैंड्स में। तो इतनी सारी विविधता है वहां पर, इतनी सारी बायोडाइवर्सिटी है, उसको खतरा हो रहा है ग्लोबल वार्मिंग जैसी क्लाइमेट चेंज से। चलिए नेक्स्ट आते हैं, बाय 2050 द पॉपुलेशन ऑफ मलायन स्क्विरल्स इन इंडिया में ड्रॉप बाय 90%, है ना। तो जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने एक सर्वे किया है और उसमें उन्होंने ये प्रिडिक्ट किया है कि 2050 तक जो मलायन स्क्विरल होता है ना, इसको कहते हैं रतुफा बाइकलर, मलायन स्क्विरल का साइंटिफिक नेम है, इसमें इनकी पॉपुलेशन में लगभग 90% डिक्रीज देखा जाएगा। ठीक है, 90% डिक्रीज देखा जाएगा, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने कहा। अकॉर्डिंग टू जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया हैबिटेट डिस्ट्रक्शन में लिमिट स्क्विरल्स टू सदर्न सिक्किम एंड नॉर्थ बंगाल बाय 2050। एक्चुअल में क्या होता है कि जो मलायन स्क्विरल्स हैं ये मलायन रीजन्स में पाए जाते हैं, और यहाँ पर इनके जो हैबिटेट होता है, इनका जो आवास है, वह
साल दर साल क्या होता है, लिमिटेड होता जा रहा है, छोटा होता जा रहा है, तो इनकी पॉपुलेशन में कमी देखी जाएगी इसके कारण। भारत में लगभग अभी वर्तमान में 43.38% ओरिजिनल हैबिटेट पाया जाता है इन स्क्विरल का। 2050 जब तक आएगा तब तक यह श्रिंक होकर लगभग 2.94% तक पहुंच चुका होगा। ये किसका आकलन है? ZSI का, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का, ठीक है। मलायन स्क्विरल क्या होता है? इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट स्क्विरल स्पीसीज इन द वर्ल्ड। पूरे विश्व में पाए जाने वाले जितने भी गिलहरी की प्रजातियां हैं उनमें से सबसे बड़ी प्रजातियों में से एक है मलायन स्क्विरल्स। इसका जो अपर बॉडी होता है वह डार्क होता है, लोअर हाफ पेल होता है, और जो टेल होता है लंबी होती है और बशी होती है, ठीक है। तो इस तरह से ये मलायन स्क्विरल के बारे में था। फिर उसके बाद देखते हैं, जीब्रा फिश आर यूज्ड एज रिसर्च मॉडल टू प्रमोट हार्ट रीजनरेशन, ठीक है। हार्ट के रीजनरेशन के लिए जीब्रा फिश को, जीब्रा फिश क्या होता है आपने एक्वेरियम में देखा होगा, है ना, इसका ज्यादातर आप लोग एक्वेरियम में रखना पसंद करते हैं। तो जीब्रा फिश को रिसर्च मॉडल की तरह यूज किया जाने वाला है। तो आघरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट पुणे, है ना, आघरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट पुणे में वैज्ञानिकों ने जीब्रा फिश का उपयोग किसमें किया है, रिसर्च मॉडल की तरह किया है, और उसमें जो आइडेंटिफाइड जीन्स हैं वो हार्ट रीजनरेशन के लिए प्रमोट करने का कार्य करेंगे। तो इस प्रकार से ये जीब्रा फिश से संबंधित बात है। जीब्रा फिश एक्चुअली एक टाइनी फ्रेश वाटर फिश होता है जो कि केवल 2 से 3 सेंटीमीटर लंबी होती है। इट कैन इफेक्टिवली रीजनरेट द डैमेज्ड हार्ट इन अ शॉर्ट टाइम। या क्या कर सकती है, जो हार्ट डैमेज हो चुका होता है उसको इफेक्टिवली रीजनरेट कर सकती है। सो जीब्रा फिश आर लोकेटेड इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन्स। तो ये उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय दोनों क्षेत्रों में पाए जाते हैं। दिस फिश इज नेटिव टू द इंडो गंगा प्लेन, है ना, इंडो गंगा प्लेन या इंडो गंगा के मैदान में पाया जाता है, साउथ एशिया में पाया जाता है। साथ ही साथ यहाँ पर देखा जाए जो राइस फील्ड्स होते हैं, ठीक है, जो, या फिर देख सकते हैं जो रुका हुआ पानी स्टैग्नेंट वाटर होता है, स्ट्रीम्स होते हैं, यहाँ पर भी इनके पाए जाने की संभावनाएं होती हैं। ओके, हाँ, जीब्रा फिश, ठीक है। नेक्स्ट, मानस कंजर्वेशन एरिया रिसीव्स द कंजर्वेशन एक्सीलेंस अवार्ड, ठीक है। तो मानस कंजर्वेशन एरिया, मानस कंजर्वेशन एरिया जो है वो किसके लिए जाना जाता है, वन हॉर्न राइनो के लिए जाना जाता है, ठीक है। एक्चुअली जो काजीरंगा है, मानस है और जलदा पारा है, इन तीन जगहों पर वन हॉर्न राइनो का कंजर्वेशन किया जाता है। तो मानस कंजर्वेशन को कंजर्वेशन एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया जो कि 2020 में ही प्राप्त हुआ है। अब इसका जो मेन हाईलाइट है वो क्या है, कंजर्वेशन एक्सीलेंट अवार्ड रिकॉग्नाइजेस वन साइट दैट हैज अचीव्ड एक्सीलेंस इन टू और मोर ऑफ दीज 5 थीम्स, है ना। इस ये 5 तरह के थीम्स होते हैं, इन थीम्स के आधार पर ही यह कंजर्वेशन एक्सीलेंट अवार्ड दिया जाता है। तो मानस को ये मिला है, अर्थात मानस ने इन सभी 5 थीमों को क्या किया, अचीव किया। जैसे टाइगर एंड प्रे पॉपुलेशन मॉनिटरिंग एंड रिसर्च, इफेक्टिव साइट मैनेजमेंट, एनहेंस्ड लॉ एनफोर्समेंट एंड प्रोटेक्शन एंड रेंजर वेलफेयर इंप्रूवमेंट, कम्युनिटी बेस्ड कंजर्वेशन बेनिफिट्स एंड ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कंफ्लिक्ट मिटिगेशन। उसके बाद आता है हैबिटेट एंड प्रे मैनेजमेंट। तो इन सभी प्रकार के कार्यों में मानस अव्वल आया, इसीलिए उसको कंजर्वेशन एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया। एग्जैक्टली, मिनी काजीरंगा, हाँ, मिनी काजीरंगा। दूसरा है, नेक्स्ट आता है, पीलीभीत टाइगर रिजर्व्स रिसीव्ड इंटरनेशनल TX2 अवार्ड, ठीक है, TX2 अवार्ड। तो जनरली क्या होता है, TX2 अवार्ड जो होता है यह उन रिजर्व्स को दिया जाता है, उन टाइगर रिजर्व्स को दिया जाता है जो 1 साल के अंदर अंदर
या उनको एक टाइम लिमिट दे दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल जो पीलीभीत टाइगर रिजर्व है इसको टाइम लिमिट दिया गया था 2022 तक का, और उसने 2022 के पहले ही अचीव कर लिया। अब TX2 गोल क्या होता है? सो TX2 गोल इज अ वर्ल्ड वाइड कमिटमेंट टू डबल द नंबर ऑफ वाइल्ड टाइगर्स, है ना, अर्थात जो जंगली बाघ होते हैं उनकी संख्या में दोगुना वृद्धि हो जाए, ये TX2 गोल कहलाता है। और पीलीभीत टाइगर रिजर्व्स ने ये हासिल कर लिया है, इसीलिए उसको इंटरनेशनल TX2 अवार्ड या अंतरराष्ट्रीय TX2 सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो याद रखिएगा, ठीक है। ये आपका टाइगर पीलीभीत टाइगर रिजर्व से संबंधित। दिल्ली में बहुत ठंड है, बिल्कुल बिल्कुल, दिल्ली ही नहीं पूरे भारत में सर्द लहर दौड़ रही है ना, सभी जगह ठंड बढ़े हुए हैं। चलिए, तो ये था आज का आपका सेशन। अब आपके लिए एक जरूरी सूचना, ठीक है। तो UPPCS 2021 में परीक्षा क्लियर करने के लिए एक प्रोग्राम चलाया जा रहा है, UPPCS 2021 कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स, जिसमें आपको प्रीलिम्स और मेंस के साथ साथ दोनों की तैयारी करने को मिले। इस कोर्स के साथ आपको क्या क्या चीजें मिल सकती हैं? तो 270 प्लस लाइव क्लासेस मिलेंगे जिसमें प्री कम मेंस की तैयारी होगी, 270 प्लस PDFs प्रोवाइड किए जाएंगे, 4500 प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे, 27 मॉक टेस्ट मिलेंगे जिसमें से 15 प्री और 12 मेंस के होंगे। इसके साथ ही आपको ये वो एक्सपर्ट्स लोग हैं जो आपको क्या करेंगे, हर कदम पर गाइड करेंगे, आपका मार्गदर्शन करेंगे। कोई भी दिक्कत होती है आपको तो आप इनसे कंसल्ट कर सकते हो। फिर उसके बाद इसके साथ और क्या मिलेगा, 10 प्लस स्ट्रक्चर्ड लाइव कोर्सेज मिल सकते हैं, 70 प्लस मॉक टेस्ट मिल सकते हैं, UPPCS एंड यूपी पुलिस, UPSSC जैसी चीजें भी आप कर सकते हो। तो इसको आप तीन तरह के सब्सक्रिप्शन में ले सकते हैं, ठीक है, और इस तरह से आपका पूरा हो जाए। इसके अलावा ग्रेड अप ऐप पर भी फ्री क्लासेस चलाई जा रही हैं डेली बेसिस पर, जिसमें से सुबह 11 बजे क्या आता है, यूपी पुलिस श्रृंखला के लिए सबसे महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं चलाई जाती हैं, 5 बजे शाम में उत्तर प्रदेश राज्य परीक्षाओं के लिए 2000 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला चलाई जा रही है, 7 बजे शाम में आपको राज्य परीक्षाओं के लिए करंट अफेयर्स की एक क्लास चलाई जाती है, और ये डेली बेसिस पर करंट अफेयर्स होते हैं, 8 बजे शाम में UPPCS 2021 प्री मेंस से संबंधित टॉपिक पर डिस्कशन किया जाता है, और आपको ये बताया जाता है हाउ टू बिकम एन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, कैसे बने प्रशासनिक अधिकारी। तो इस तरह से आज का आपका सेशन था, आई होप आप सभी को समझ में आया होगा, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। आपको अगर सेशन पसंद आता है तो प्लीज लाइक करें और शेयर करें, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब करें। कीप अटेंडिंग लाइव क्लासेस, प्रेप स्मार्ट, स्कोर बेटर, गो ग्रेड अप। थैंक यू।